बदलते मौसम में सर्दी खांसी और बुखार का आना स्वाभाविक है। ऐसे में जब महामारी का डर लोगों को घर कर रहा है तो यह चिंता का विषय है। सर्दी खांसी और बुखार के लिए आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके साथ अगर आप घर के सामान से ही बने इस काढ़े का भी उपयोग करते हैं तो ये काढ़ा आपको सर्दी खांसी बुखार से जल्दी निजात दिलाएगा और आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में हेल्प भी करेगा। इसका सेवन कंटिन्यू दिन में 2 बार करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है ये काढ़ा। यहाँ पर मैं 2 गिलास काढ़ा बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने 2.5 गिलास पानी लिया है। अब गैस ऑन करेंगे और पानी में उबाल आने तक इसे गर्म करेंगे। जब तक पानी में उबाल आएगा तब तक हम कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हम कुछ मसालों को हमामदस्ते में कूटेंगे। 1 इंच दालचीनी लेंगे, 5 से 6 लौंग और 8 से 10 साबुत काली मिर्च लेंगे। इन सभी को कूट लेना है। आप चाहें तो इन तीनों को मिक्सी में पीसकर इसका पाउडर बनाकर भी डिब्बे में रख सकते हैं। मैंने ये पाउडर बनाकर रखा है। जब भी काढ़ा बनाए तो आधा चम्मच ये पाउडर डाल दें, इससे आपका समय भी बचेगा। तो ये हमने सारी चीजों को कूट लिया है। अब पानी में उबाल आने लगा है। कूटे हुए मसाले को पानी में डाल देंगे। आधा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 12 से 15 तुलसी के पत्ते डालेंगे। अब आंच धीमी रखेंगे और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि हमारा पानी 2 गिलास रह जाए। लगभग 8 से 10 मिनट तक इसे पकाना है। हमारे 10 मिनट भी हो गए हैं और काढ़ा का कलर भी चेंज हो गया है। इसमें सारे फ्लेवर अच्छे से आ गए हैं। अब हमें गैस बंद कर देना है और इसे ढककर हम केवल 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इससे मसालों का फ्लेवर और अच्छे से काढ़े में आ जाएगा। लेकिन हमें इसे ठंडा नहीं करना है, इसे गर्म में ही पीना है। 2 मिनट के बाद काढ़ा को छान लेंगे। इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा को ग्लास में सर्व करेंगे। ग्लास में 2-2 चम्मच शहद डालेंगे। शहद पाचन क्रिया को ठीक रखता है और सिर दर्द खांसी आदि में इसका इस्तेमाल बहुत फायदेमंद होता है। दोनों ग्लास में इम्यूनिटी पावर काढ़ा डालेंगे। तैयार है इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा और इस काढ़े को हमें गर्म में ही पीना है, बिल्कुल चाय की तरह। तो फ्रेंड्स, आज से ही ये काढ़ा बनाएं और खुद को और अपने परिवार को बीमारियों से बचाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। इससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी के साथ।